हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द गैन स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 25 अक्टूबर के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलते हैं डिस्कशन तरफ फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज बुल्स दहन हो गया, और ये दहन क्यों हुआ, क्या कारण रहा, अब ये चर्चा का विषय है। सो मैंने फ्राइडे को भी एक आपको अपडेट दे दी थी कि जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्लोज किया था, एक की रेंज में बंद हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो था मार्केट में कोई बड़े मूव आने वाले हैं। और मैंने आपको बोला भी था कंटिन्यूसली फेड की मीटिंग हो रही है वहाँ पे, और इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी डर है यूएसए के अंदर। और आज एक अपडेट आया था वह मिला, जिसमें यह बताया जा रहा था कि यूएसए की 10 साल वाली जो यील्ड है उसके अंदर इजाफा हुआ और वो 5% के ऊपर चली गई। यानी कि 10 साल में पहली बार हुआ है कि वो 5% के ऊपर चली गई। तो कम्प्लीटली ये सारे जो न्यूज़ आ रही थी और वो नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा है पूरा प्रॉपर तरीके से मार्केट के ऊपर, जो मार्केट में ये फॉल आया है। सो फ्रेंड, मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट डाला था, 2:09 पे मैंने एक अपडेट डाला था। मैंने ये बोला था अगर मार्केट सस्टेन करता है 19434 के नीचे तो मार्केट में 100 से 150 पॉइंट की एक फॉल देखने को मिल सकता है, एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। जो आपने देखा भी, जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा डेफिनेटली उसको फ़ायदा हुआ होगा। तो मार्केट तकरीबन इस रेंज में जब आया तो मार्केट कंटिन्यूसली हडल लेता रहा, 19440 के आसपास आपने देखा कंटिन्यूसली हडल ले रहा था। फिर मार्केट में क्या रैली आपको नीचे की तरफ मिली है वो आपने खुद ही देखी होगी। तो जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा टेलीग्राम चैनल तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन करना है नहीं करना है कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपकी इच्छा है। बाकी जो मैंने अपडेट डाला था टेलीग्राम चैनल पे वो आपको होता हुआ दिखाता और मार्केट कंटिन्यूसली उसे फॉल भी किया था। बाकी मैंने अपनी वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि जो मैंने फ्राइडे के दिन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लेवल दिया भी था। मैंने बोला था अगर मार्केट सस्टेन करता है 19520 के नीचे तो मार्केट आपको फॉल करता हुआ मिल सकता है, कौन से लेवल तक, 19450। और अगर 19450 भी निकालेगा तो मार्केट आपको 19380 के नीचे भी जाता हुआ दिख जाएगा, 380-350 की रेंज में मार्केट जाता हुआ दिख जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ओपन होने के बाद मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ था और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड करा। और फिर धीरे 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 मार्केट में आपने देखा कि मार्केट नहीं अपने आप को ऊपर टिका पाया, तो फाइनली मार्केट में आपने ये फॉल देखा। जब तक मार्केट 19525 है कोई इस लेवल के ऊपर और इसके 19550 के नीचे, मैंने बोला भी था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो निकलने देना किसके ऊपर, 19580 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी आप ऊपर के लिए सोचना, अदरवाइज मत सोचना। और मैंने बोला भी था इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड करना ही मत, 19580 और 19520 के बीच में कोई ट्रेड मत करना, इसके नीचे ट्रेड करना या इसके ऊपर ट्रेड करना। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा था, देखा ना आपने 25 को होल्ड कर रहा था, जैसे ही मार्केट ने इसको फॉल करा है यहाँ पे आप आराम से अपना ट्रेड ले सकते थे। जैसे ही मार्केट ने फॉल करा आप यहाँ कहीं से अपना ट्रेड बना सके बैठ जाते और आप अपना एक एसएल लगा लेते इसके ऊपर, 19550 के ऊपर एक एसएल डाल देते और इसके नीचे अपना लेके बैठ जाते और अपना वेट करते मार्केट का, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट का टाइम बीतता गया मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती गई, मार्केट ने धीरे धीरे करके फॉल देना चालू कर दिया। तो एग्जैक्टली यही था, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था, अगर पेशेंस आपका रहता डेफिनेटली अच्छा रिवॉर्ड मिलता। और आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि ये डेली नहीं होता है, ठीक है, ये कभी कभी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। सो चलते हैं क्या डिस्कशन रहेगा अब, जो 25 तारीख को कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कल है दशहरा तो मार्केट बंद रहेगा, 25 को खुलेगा और 25 को आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई मिलेगी, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है। तो चलते हैं एक दिन के चार्ट पे। तो फ्रेंड, एक दिन के चार्ट पे मैं आपको बता दूं जो मार्केट का आज का हाई रहा है वो रहा है 19556 का हाई लगाया, जो मार्केट ने लो लगाया वो 19257 का लो लगाया, देखना कितना तगड़ा फॉल किया है। और मार्केट की क्लोजिंग देख सकते हो 19281 में फाइनल क्लोजिंग मिली है, तो मार्केट उस रेंज में आ गया है। अगर ये रेंज मार्केट ने निकाला तो काफ़ी अच्छे फॉल देना चालू कर देगा, तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो आने वाले समय में आपको कहाँ दिखने वाला है, 18800 के लेवल पे, आपको 18800-18600 के लेवल पे भी मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। तो अगर मार्केट इसको नहीं होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ से अब मार्केट फॉल करेगा। तो अब बियर्स भी चिंता में है कि मार्केट का आगे होना क्या है,
तो अब एग्जैक्टली होना यही है, अगर मार्केट ये 200 का लेवल 250 का लेवल निकालता है डेफिनेटली फिर मार्केट के पास कुछ है नहीं, फिर मार्केट ये सारे गैप फिल करने जाएगा, और जो गैप फिल होंगे तो ये मार्केट को रेंज कहाँ पे आ रही है 19700 की रेंज आ रही है, तो मार्केट इसी लेवल में आता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट ने कल यानी कि वेडनेसडे को बुधवार के दिन मार्केट चला नीचे तो डेफिनेटली फिर ये लेवल टूटना चालू करेंगे, तो फिर क्या होगा, सेल ऑन राइज चालू हो जाएगा, यानी कि हर एक राइज पे मार्केट सेल होता हुआ मिलेगा, तो इसलिए अब आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर उठेगा तो आपको लगेगा मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पे से सेल ऑन राइज चालू हो जाएगा, फिर बिक वाले चालू हो जाएंगे, फिर एफ आई आई सेल करना चालू कर देंगे, तो इसलिए अब आपको केयरफुल होकर ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब आपको फ्राइडे यानी कि वेडनेसडे के दिन क्या ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर मैं आपको बताऊं वेडनेसडे के लेवल के लिए तो आप देखो ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर मार्केट ने गैप डाउन खोल दिया 80 पॉइंट या मान के चले 50 पॉइंट, मतलब 200 के नीचे मार्केट खुल गया और सस्टेन कर गया नीचे, नहीं ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट में सेल ऑन राइज आपको देखने को मिलेगा, हर एक लेवल पे मार्केट क्या होगा, सेल होगा, जैसे ही मार्केट उठेगा फिर वापस सेल हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान क्या रखना है, मैं पहले लिखवा लेता हूँ अपसाइड, ठीक है ना, अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है, फिर मैं डाउनसाइड लिखवाऊंगा, यानी कि कॉल साइड आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट किसी कारणवश ऊपर जाता है तो भैया सस्टेन होने देना, किसके ऊपर, 300 के ऊपर, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी 100 मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वन डे के अंदर मार्केट ने 100 मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, तो अगर मार्केट इसके नीचे टिक गया तो फिर मार्केट में थोड़ा सा डर माहौल बन जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मार्केट ने 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, थोड़ा बहुत ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो ऊपर के लिए, तो 19300 रुपये मार्केट टिकता है तभी आपको प्ले करना है, तो पहला जो टारगेट आपको अचीव हो सकता है 19350 स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस, ऊपर प्ले करोगे तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना, वरना मत करना, छोड़ देना 19350, और सेकेंड आपको क्या मिल सकता है 19400 तक मार्केट कोशिश कर सकता है जाने की, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने फॉल दिया है और ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से नेगेटिव चल रही है, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में कोई ताकत नहीं बची है, इसलिए अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली तभी ऊपर के लिए प्ले करना, और स्टिक स्टॉप लॉस लगे चलना इसके अंदर। ठीक है, अपनी कोई भी कॉल ले सकते हो इसके अंदर, 19400 वाली कॉल से प्ले कर सकते हो, ठीक है, 19350 वाली कॉल से प्ले कर सकते हो, पर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना, अगर मार्केट फॉल करता है तो हट जाना, जबरदस्ती लॉस मत लेना, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट डाउन साइड, देखो डाउन साइड क्या है, क्योंकि मार्केट अपने क्रूशियल लेवल पे है, ठीक है ना, मार्केट क्रूशियल लेवल पे कौन से, मार्केट का जो क्रूशियल लेवल है वो 250 वाली रेंज पे आ चुका है, क्लोजिंग उसी रेंज में है, अगर मार्केट वेडनेसडे के दिन कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता, तो गैप डाउन खुल गया तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट फिल सेल ऑन राइज पे आ जाएगा, अगर मार्केट ने बाई चांस 80 से 100 पॉइंट का गैप डाउन दे दिया और गैप नहीं फिल हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट सेल ऑन राइज करेगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट को नीचे जाने देना, कहाँ पे 19250 के नीचे सस्टेन करने देना, अगर मार्केट 19250 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको पहला टारगेट अचीव होगा 19180 और फिर दूसरा टारगेट अचीव हो जाएगा 19100 तक मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिख जाएगा, तो ये लेवल आपको ध्यान रखने है। अपनी पुट लगा सकते हो, कोई पुट ले सकते हो इसके अंदर, जैसे कि आपने इसमें 200 वाली पुट ले ली अपनी, ठीक है, देख लेना कौन से स्ट्राइक प्राइस मिल रही है, कितने प्रीमियम पे मिल रही है, सो अकॉर्डिंग टू अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 19200 वाली पुट से प्ले कर सकते हो, अगर मार्केट सस्टेन करता है 19250 के नीचे कंटिन्यूसली या गैप डाउन खुल जाता है तो वेट कर लेना अपना कितना 15 से 20-30 मिनट, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट फॉल कर रहा है तो आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है, इसमें आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ ओआई डाटा की, अब देखो ओआई डाटा में देखो क्या दिखेगा आपको, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है, बुरी तरीके से टूटा है, अब देखो 19 हमें क्लोजिंग क्या मिली है, 19281 के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है, ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, अगर मार्केट अब देखो 19281 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है और देखो ओआई पे देखोगे 19300 पे देखोगे तो 74,000 कुछ नहीं है, 19400 पे आप देखोगे तो 153,000, अगर मार्केट चलो जाता है ऊपर किसी कारणवश तो इमीडिएट हडल 19400 पे कितना ज़्यादा कॉल राइट हो रखा है 153,000, और देख सकते हो यहाँ पे 132,000 ओआई चेंज हुआ है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉल राइट करके गए हैं लोग 153,000, बहुत बड़ी मात्रा है, और सेकंड हडल देखो 19500 पे आप देख लो 19500 पे 226,000, तो बहुत अच्छी मात्रा में लेके जा रहे हैं, कॉल राइट करके जा रहे हैं, तो इनको ये भरोसा हो चुका कि मार्केट
अभी ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर मार्केट जाता है ऊपर तो डेफिनेटली इन लेवल पे आके मार्केट हड़ा लेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 19400 और 19500 में बहुत ज़्यादा कॉल आउट होकर गई हैं। अब वहीं देखोगे ना एक चीज़, तो अगला जो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है वो क्या बन सकता है, 19200 पे 1,02,000। कोई बड़ा मात्रा नहीं है, अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर इनकी क्या ही औकात है, मार्केट को रोक लेंगे ये, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट में पुट साइड वाले तो बिल्कुल तरीके से डर चुके हैं, कोई है ही नहीं पुट साइड पे, सब निकल चुके हैं। तो आपको एक बड़ा जो सपोर्ट दिख रहा होगा, तो कितना दिख रहा है, 1,83,000 जो है 19,000 पे पुट राइट करके गए हैं। तो मतलब कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको 19,000 पे दिखेगा। मतलब अब अगर मार्केट 250 के नीचे सस्टेन करा और 200 तोड़ के निकल गया मार्केट नीचे और सस्टेन कर गया, एक घंटा नीचे सस्टेन करके, डेफिनेटली फिर ये सब भागेंगे और मार्केट फिर आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। तो जल्दी आपको जो लेवल है ना ये 18,800 वाला, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप तैयार रहना है आपको। अगर मार्केट सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, डेफिनेटली आपको फॉल मिलेगा। वहीं बात कर ले बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वेनेसडे को होगी वीकली एक्सपायरी, तो शिफ्ट कर जाना, जरूरी नहीं सेम एक्सपायरी प्ले करना है, तो अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी प्ले कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में मैंने यही अपडेट बोला था कि अगर मार्केट ब्लो, अगर मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है तो 43,700 के नीचे क्या कर रहा है मार्केट, 43,700 43,600 के नीचे मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो देखो मार्केट नॉर्मली खुला था, कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं, मार्केट पहले कहाँ तक गया, 43,800 तक गया, 43,800 तक गया। मैंने क्या बोला था, अगर आपको प्ले करना है बैंक निफ्टी को तो कहाँ निकलने देना, 43,850 के ऊपर। मार्केट 43,850 जा ही नहीं पाया था, वहीं से हडल लेके बार बार फॉल कर रहा था, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा प्ले करना था तो कहाँ से प्ले कर सकते थे, 43,700, और बहुत अच्छा प्ले करना 43,600 के नीचे। तो मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली देख लो इसी जोन पे देख लो, 43,700 पे कंटिन्यूसली हडल फेस कर रहा था, और आपको बहुत अच्छा प्ले करना था तो ये लेवल था आपका बहुत अच्छा प्ले करने का। अगर मार्केट ने ये निकाला अपना SL और ये अपना, यहाँ से कोई भी ऑर्डर लगाते प्ले करते अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो एग्जैक्टली जो लेवल दे रहा था वही मिल रहे थे, कोई गलत लेवल नहीं दिए गए थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब वेडनेसडे के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको प्ले करना है, कॉल लेके बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को निकलने देना 43,200 के ऊपर। अगर मार्केट 43,200 के ऊपर निकलता है तभी आप प्ले करने की कोशिश करना, सस्टेन करना 43,200 के ऊपर तभी प्ले करना। जो मार्केट को कहाँ तक ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो मार्केट यहाँ से जा सकता है कहाँ तक, 43,350 और 400 वाली रेंज में, ठीक है ना, इसी रेंज तक जा सकता है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, क्यों स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अप्रैल के बाद से अब आगे अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड ये, एक दिन के अंदर वन डे में 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, इसलिए मार्केट अब थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए अगर मार्केट जा रहा है ऊपर तो इसलिए स्टॉप लॉस प्ले करना, 43,200 के ऊपर टिकता है तभी आप प्ले करना, अदरवाइज अवॉइड कर देना, मत लेना। अगर डाउन साइड में देखो क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड यानी पुट साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट फॉल करता है किसके नीचे, 43,075 के नीचे, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है 43,075 के नीचे, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग जो हमारी आई है ना वो आई है 43,151 की, हमारी एवरेज क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो छोड़ दो उस पॉइंट को, अगर थोड़ा सा अच्छा ट्रेड बनना होगा तो 43,075 के नीचे बनेगा, तो वेट कर लेना एक बार 43,075 नीचे कैसे काम कर रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मार्केट में क्या रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा। जैसे जैसे मार्केट उठेगा तो मार्केट फिर सेल हो जाएगा, तो 43,075 के सस्टेन करेगा तो आपको टारगेट अचीव होंगे इसमें 42,800 और फिर 42,600 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। और आने वाले समय में आपको मार्केट जो है इसका बहुत जल्दी 42,000 भी दिख जाएगा। अगर मार्केट इसी रेंज में, अगर कल यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और वो गैप फिल नहीं होता है, यानी कि मान के चलो आधा परसेंट 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो है आपको सेल ऑन राइज मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपनी कोई पुट लगा के प्ले कर सकते हो आराम से, इसके अंदर भी स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, अपसाइड प्ले करने जा रहे हो तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम इमीडिएट मत ट्रेड करने लग जाना, थोड़ा सा देख लेना कल के बाद कैसा सिनेरियो बन रहा है, उसके हिसाब से अपना प्ले करना है। वहीं मैं बात करूँ OI डाटा की, तो OI डाटा में आप देखोगे 43,300 पे आप अगर देखोगे तो 1,12,000 के आसपास कॉल आउट हुई हैं। वहीं आप देखोगे तो मार्केट के लिए हडल हो सकता है, मार्केट का जो इमीडिएट अच्छा हडल जो होगा ना वो होगा 43,500, 1,61,000 कॉल आउट हो गई हैं, तो काफ़ी अच्छी मात्रा है।
43,600, 1,78,000 बहुत बड़ा नंबर है ये, और 43,700 देखोगे 1,95,000, 43,800 देखोगे 2,00,000, मतलब कि भर भर के कॉल राइट करके गए हैं ये। इनका तो भरोसा ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब ये तो मान के बैठ गए हैं मार्केट यहाँ से और फॉल करने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट निकलता है अच्छे मूव के लिए, बहुत अच्छा मूव जो है वो 450 के ऊपर ही आएगा, जब ये लोग डरेंगे तो आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, तब ये भागेंगे। ठीक है, तब तक कोई इनको पैनिक नहीं है, ये कोई डरने वाले नहीं है, जो जितने भी कॉल आउट कर गए ना ये वाले, ये कोई डरने वाले नहीं है, ये अच्छी खरी मात्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, पुट साइड आप देखोगे एवरेज क्लोजिंग हमारी 43,151 के आसपास आई है। आप देखो पुट साइड पे आपको क्या दिखेगा, 4,300 पे आप अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सीधा सपोर्ट कहाँ पे, 43,000 के पास। ठीक है, 1,56,000, मतलब कि गैप डाउन खुला, ये तो वैसे ही भगेंगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा फॉल करता हुआ दिखेगा। जो सेकंड जो अगर बहुत अच्छा सपोर्ट की बात करेंगे 42,500 पे 1,19,000 पुट राइट करके गए हैं, मतलब कि नीचे तो पुट वाले बुरी तरह से डर चुके हैं, उन्होंने तो हाथ छोड़ दिए, खड़े कर दिए फाइनली। अगर 43,000 का सपोर्ट निकला तो डेफिनेटली मार्केट जो आपको फॉल करता हुआ दिखेगा अच्छा खासा नीचे की साइड। तो ये ध्यान रखना, लेवल है इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे डेफिनेटली पैसा कमाओगे। ज़बरदस्ती की ट्रेड में ना घुसे, मैं हमेशा मना करता हूँ, जब ट्रेड बन रहा है उसको बनाएं और बिना फालतू ट्रेड ना लें। सेकंड थिंग, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आपको ज्वाइन करने का मन है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, चीज़ों को सीखते रहें, जब तक नहीं सीखोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे, उसके लिए आपको लर्निंग बढ़ाती रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो चीज़ों को सीखते रहें, अच्छे ट्रेडर बनेंगे तभी प्रॉफिट बना पाएंगे। सो आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।